दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका यार ऋतिक नागर और आप सुन रहे हैं हमारा ऑडियो पॉडकास्ट सावन की पुकार। तो दोस्तों, आज का जो प्रेम पत्र है वो बड़ा अजीबोगरीब है। जी हाँ, क्योंकि यह प्रेम पत्र हमें पहुंचाना है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी तक। आप भी हैरान है ना दोस्तों, हम भी इसे पढ़कर हैरान थे कि भैया कहां एक छोटा मोटा यूट्यूबर और कहां इतनी बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री तृप्ति डिमरी। लेकिन जब इस प्रेम पत्र के लेखक अविनाश भाई ने हमसे इतनी बड़ी उम्मीद की है तो हम उनकी इस उम्मीद के लिए एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं कि यह पत्र तृप्ति डिमरी जी तक पहुंचे। प्रिय तृप्ति डिमरी, सावन का महीना लगा ही था कि नॉनस्टॉप बारिश शुरू हो गई। मैंने गर्मा गर्म पकौड़े टूंगते हुए अपनी एक प्यारी सी दोस्त को फोन घुमा दिया और कहा, चलो फिल्म देखने चलते हैं। पता नहीं मुझे क्या चुल छूटी थी उस दिन कि जो लड़की मेरे साथ चाय पीने तक नहीं चलती उसको मैंने साथ फिल्म देखने को बोल दिया। और होश तो तब उड़ गए जब उसने भी हाँ कह दिया। उसके हाँ कहते ही मैं उसे फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बना लेने के सपने देखने लगा। फिर यह सोचकर मेरी धड़कनें बढ़ गई कि पता नहीं कौन सी फिल्म लगी होगी। लेकिन अब जब उसने बोला है तो ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखने तो जाना ही है, अब चाहे जिसकी भी फिल्म हो। तो भैया हम पहुंच गए सिनेमा हॉल। फिल्म का पोस्टर देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी यानी कि तुम्हारी एक खूबसूरत सी और बड़ी सी तस्वीर मेरी नजरों के सामने थी। अब मैं निश्चिंत हो गया कि जो भी फिल्म होगी अच्छी ही होगी और अपनी दोस्त के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगा। आखिर में तो मैंने यह तक सिद्ध कर दिया कि मैं तो बस इसी इंतजार में था कि कब तृप्ति डिमरी की फिल्म लगे और कब मैं आपसे फिल्म देखने का पूछूं। वो मोहतरमा चुपचाप सुनती रही। बस अंत में उन्होंने एक सवाल किया, बोली, क्या तुमने एनिमल देखी है? इस सवाल ने मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा कर दिया। हाँ, मैंने एनिमल नहीं देखी थी, पर मेरे मन में उसका सवाल इस तरह आया कि क्यों नहीं देखी और तब क्यों नहीं पूछा साथ में फिल्म देखने को। मैंने बात घुमाते हुए कहा कि मैंने तृप्ति की बुलबुल, कला और लैला मजनू देखी है और तीनों ही मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से हैं। तीनों ही एक से बढ़कर एक। एनिमल में तृप्ति लीड रोल में नहीं थी ना, तो ध्यान ही नहीं गया होगा। और मुझे तो फिल्म का नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी जंगली जानवर की फिल्म होगी। बाद में पता चला कि भाई ये तो इंसानों की ही फिल्म है, नाम बस एनिमल है और इसमें तृप्ति डिमरी भी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कहा, यह तो बैड न्यूज है। मैंने कहा, कैसी बैड न्यूज? दरअसल हम जिस फिल्म को देखने जा रहे थे उसका नाम था बैड न्यूज। तो भाई उसके जवाब से थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, फिर ध्यान में आते ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके बाद जैसे ही हम सिनेमा हॉल में अपनी दोस्त के साथ पहली बार फिल्म देखने बैठे, बड़ी गुड गुड वाइब्स हमें आने लगी और उन्हीं गुड वाइब्स के साथ हम देखने लगे हमारी प्यारी तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज। तो तृप्ति, जो था बस यहीं तक था, अब आगे मत पूछना कि क्या हुआ। दरअसल जो लम्हे हमें जीने थे ना, हमने उन्हें काटा। ऐसा लग रहा था कि मानो तृप्ति डिमरी की जगह गलती से सनी लियोनी की फिल्म देखने आ गए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इंटरवल आया, हम चुपचाप बाहर आए। मैं तो जैसे किसी अपराधी सा महसूस कर रहा था। उसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मम्मी का फोन आ रहा है बार बार, शायद उन्हें कोई जरूरी काम हो, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। मुझे पता है
कि वह झूठ बोल रही थी, पर मैं भी रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर किस मुंह से रोकता। वैसे मैंने हिम्मत करके चाय का जरूर पूछा। उसने कहा नहीं, फिर कभी। उसके जाने के बाद एक पल को तो मेरा मन भी हुआ कि इंटरवल में ही फिल्म छोड़ा, पर भाई दो टिकटों के पैसे लग चुके थे तो हिम्मत ही नहीं हुई। अब गुजरना ही है तो दर्द की इंतहा से गुजरे। प्रिय तृप्ति, आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगा कि जब मेरी जिंदगी में गुड न्यूज आने की आहट सुनाई देने लगी थी, तुम्हारी बैड न्यूज ने मुझसे मेरा सावन छीन लिया। बुलबुल, लैला मजनू और कला देखकर तुम्हारे प्रति, तुम्हारे अभिनय के प्रति जो मोहब्बत का ताज बना था, आज उसमें दरार पड़ गई। बैड न्यूज में तुमने एक्टिंग को छोड़कर सब कुछ दिखाया। थोड़ी बहुत एक्टिंग भी दिख जाती तो अच्छा लगता। खैर छोड़ो, तुम्हारा भी क्या दोष है, चारों तरफ बाजार सजा है और तुम भी आखिर हो तो इसी बाजार का हिस्सा। लेकिन कमबख्त हमारी एक बुरी आदत है, एक बार जिससे मोहब्बत हो गई उसे कभी बद्दुआ नहीं दे सकते। तो हम तो अब भी तुम्हें दुआ ही देंगे, तुम्हारी फिल्में खूब हिट हो और तुम्हें खूब दौलत शोहरत मिले। लेकिन मेरी दोस्त, जब तुम्हारा बाजार से मन भर जाए तो फिर से बुलबुल और कला जैसी फिल्मों की तरफ लौट आना। तुम्हारे दीवाने को तुमसे यह उम्मीद हमेशा रहेगी। अब आखिरी में बशीर बद्र साहब का वो सदाबहार शेर भी सुनती ही जाओ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। शुक्रिया, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अविनाश। तो दोस्तों, यह था अविनाश भाई का प्रेम पत्र। अविनाश भाई, हम सब आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन काश मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े लोग भी हम जैसे छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोगों की पीड़ा को समझ पाएं। तृप्ति, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो जहां कहीं भी खड़ी हो बैठ जाइए और थोड़ा उस चिड़िया के बारे में भी सोचिए जिसका नाम बुलबुल है।